हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज आपके सामने लेके आ गया हूं एक नया और प्यारा सा ब्लॉग, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं फेमस ट्रैकरों की जगह पे, जहां पे आप लोग नेचर से जुड़े हैं, जो लोग वो पे जा सकते हैं वहां पे और काफ़ी इन्जॉयमेंट कर सकते हैं अपने साथ में। और मैं अभी आ चुका हूं कश्मीरी गेट, ठीक है, वही कश्मीरी गेट आ चुका हूं। और हम जो सफ़र करने वाले हैं वो है दिल्ली से पौड़ी। एक बार पिछली बार और हमने सफ़र करा था दिल्ली से पौड़ी, उसमें आप लोगों ने 7,000 व्यूज़ दिए। भाई इस बार ही आप लोगों को 10,000 व्यूज़ देने हैं मुझे, कैसे मुझे नहीं पता वो कैसे दोगे, लेकिन आपको 10,000 व्यूज़ देने हैं ताकि मैं और अच्छी इम्प्रूव कर पाऊँ आपके सामने ऐसे ब्लॉग्स। तो आज आपको जो पूरा टूर तो कराएंगे हम पौड़ी का, कैसे जाना है वो सब चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो हाँ, हमारी बस है वो लगी भाई काउंटर नंबर 3 पे लगती है, 2, 3, 4 पे यहाँ पे सारी बसें लग जाएगी आपको। तिरपाल सेंड की लग जाएगी, पौड़ी की लग जाएगी, और साथ में एक लग जाएगी बीरूखाल की। बीरूखाल की जर्नी आपने देख रखी है, पौड़ी की भी एक बार पहले देख रखी होगी। और चलेंगे काउंटर पे, सब कुछ आपको बताएंगे। आज ना हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है जिसको आपसे मैं मिलवाने वाला हूँ। तो भाई ये मोहन भाई है, इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे दोस्तों, MR31 ब्लॉग। जाओ भाई को भी सपोर्ट करो यार, बीच में भाई के सब्सक्राइबर थोड़े से कम कर गए थे यार। आप लोगों ना सपोर्ट नहीं दिखाते भाई, सपोर्ट हमें भी दिखाओ और इनको भी दिखाओ, ठीक है। तो सपोर्ट दिखाना आपका काम है और ब्लॉग बनाना हमारा काम। चलिए भाई, भाई जा रहे हैं केदारनाथ, तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं यार, आप लोग सपोर्ट करा करो यार। जैसे कि कश्मीरी गेट में हम आए थे और केदारनाथ की वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा था मैं, तो आके टोक दिया। भाई का भी यही हुआ, सुनील भाई के साथ भी यही हुआ, टोक दिया, कह रहे हैं यहाँ पे भाई वीडियो तुम शूट नहीं कर सकते हो, कोई टेक्निकल इशू, पता नहीं क्या बता रहे थे वो लोग। तो चलिए भाई, परमिशन लेंगे उसके साथ में आपकी वीडियो बनाएंगे, बट अभी बने रहेंगे जर्नी में, क्योंकि जर्नी होने वाली काफी इंटरेस्टिंग। ऑन टाइम 9:30 बजे हमारी जो बस है वो निकल चुकी है ISBT कश्मीरी गेट से पौड़ी की तरफ। तो आज हम आपको जर्नी कराने वाले हैं दिल्ली से पौड़ी, जिसकी टिकट जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गई है, बीच में नहीं थी, अभी अवेलेबल हो गई है। भैया रात के ना 1 बज चुके हैं और हमारी बस जो है रुक चुकी है भाई, कुछ यहाँ पे इलाका है भाई, जगह है यहाँ पे रुकी हुई है, चाय वगैरह पी सकते हो, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये माहौल है यहाँ पे। भैया चाय भाई पिए और चलिए भाई, हमने तो भाई चाय पिया, क्योंकि खाना हमने जो पहले से ही खा के आए थे अपने एरिया से, ठीक है भाई, रास्ते में अच्छा नहीं मिलता इसलिए मैं खा के आया। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने उस समय वहाँ नहीं दिखाया था, ये ड्राइवर केबिन और ये CCTV जहाँ से सर्विलेंस है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी सवारियाँ बैठे हुए हैं हमारे ड्राइवर साहब जी आ चुके हैं हमारे उस्ताद जी, जो कि अब यहाँ से रवाना होगी गाड़ी। है 1:13 हमारी जो बस है वो यहाँ से निकल को रवाना हो चुकी है भाई, निकल रही हमारी बस, देख सकते हैं। जो है बज चुके हैं और हमारी बस आ चुकी है कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार पहुंच चुके हैं 3 बजे। और यहाँ से कितने बजे निकलेगी? 4:30 जो भी निकलेगी टाइमिंग। अभी फ्यूल पेट्रोल पंप पे है, वहाँ पे दिखा नहीं रहा, देखो वहाँ पे बसें खड़ी है, वहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो भाई यहाँ से अभी चलेंगे आगे की तरफ, कोटद्वार के चैनल पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं, 3 बजे पहुंच गए थे। देख सकते हैं कि ये बस लगी हुई है तिरपाल सेन वाली, ये जा रही है, और उसके बगल में लगी है पौड़ी वाली, ठीक है। तो हम जा रहे हैं पौड़ी, तिरपाल सेन नहीं जा रहे, ठीक है। तो अभी हम पी रहे चाय, चाय पीने के बाद हम लोग निकलते हैं। 3:30 बजे अपनी हमारी बस निकल चुकी है कोटद्वार से आपका पौड़ी की तरफ। आप लोग छिजवली टेम्पल कोटद्वार में आता है, और ये आपको जब बस से राइड करेंगे आप लोग पौड़ी की तरफ तो आपको दिखेगा
आ गई। तो भाई अभी पहुंच चुका सतपुली, सरकार का गांव सतपुली से।
बाजार आ गया माला से भी मिश्रा ये दिखाना है। टाइम हो रहा है 6 बज गए भाई सुबह के, ठीक है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और भाई सुबह की शुरुआत हो रही है चाय से, तो चाय पियेंगे और निकलेंगे। बट उससे पहले देख सकते हैं भाई हमारी जो बस है वो यहाँ आ चुकी है, रुकी हुई है। और जो मैंने आपको गांव दिखाया था सतपुली, हाँ, तो भाई चलिए चाय वाय पीते हैं। और 10-15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक होगा जो भी है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे तो ठंड हो रही है बहुत ज्यादा भाई, इतनी ठंड नहीं थी दिल्ली में, गर्मी हो रही है। और हमारे कैप्टन सर हमारे कंडक्टर सर जी, ब्रेक के बाद 15 से 20 मिनट के बाद अपने हमारी बस जो निकल चुकी है घोड़े की तरफ, वो सीधा जाएगी अभी कहीं रुकेगी। और भाई यहाँ पे आने के बाद जो नजारे हैं और मतलब जो हाल है सब चेंज हो गया। कल तक दिल्ली की पसीनों में भीग रहा था और आज यहाँ पे ठंड में मर रहा हूँ भाई। ऐसे ही होता है हर जगह, आप भी आओ एक्सप्लोर करो। ट्रैकिंग करनी है तो बिल्कुल आओ, कैंपिंग करने बिल्कुल आओ। इसी के हरिद्वार का टूर आप भी आपको मैं देने वाला हूँ उसके बाद में, बने रहिए ब्लॉग में। चलिए पैसेंजर सारे बैठे हुए भाई, आते हैं सर।
गया भाई। और भाई 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। ये पौड़ी का बस स्टैंड देखो, पुलिस चेक पोस्ट बस अड्डा पौड़ी ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये है गवर्नमेंट बस और यहाँ पे लगी हुई है प्राइवेट बस। ठीक है, देख सकते हो पुलिस ये पौड़ी में पिछली बार भी आया था, आपने देखा होगा। चलिए चलते आगे। कुछ एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो बहुत अच्छा था यार इस बार का, है ना। दिल्ली से पौड़ी का जो एक्सपीरियंस था काफी अच्छा था। और यार की आप लोगों को बस एक्सपोर्ट दिखा दे रहा हूँ और वीडियोस गवाह के दाराती रही यार, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है बताएगी यार। भाई मैं बता रहा हूँ यार, दो तीन दिन से सही से सो भी नहीं रहा, फिर भी जर्नी कर रहा हूँ आपके लिए। तो एक लाइक वगैरह कर देना, है ना। तो ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। करता हूँ आपको पता ही, मैं यहाँ से यहाँ भी आऊँगा, वो ब्लॉग तो नहीं आएगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा। शाम को आज मैं पक्का होटल का टूर भी दूँगा।